आज पोहा कटलेट बनाएंगे। तो पोहा कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप पोहा, जिसे मैंने एक छन्नी पर रखा है, और ऐसे उसके ऊपर पानी को ड्रेन करेंगे और ऐसे ही इसे छन्नी के ऊपर में ही रख देंगे साइड में, ताकि जो एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद एक बर्तन लेंगे जिसमें मैं 3 बॉयल्ड आलू ली हूँ। 1 कप पोहा के लिए 3 बॉयल्ड आलू, जिसे हाथों में मास्क कर देंगे इस तरह। इसके बाद हम कुछ जो पोहा रखे थे उसे इसमें ऐड करेंगे, और जो मसाला देना है हमें, तो यहाँ पर इस तरह ली हूँ कि 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इन सबको इसमें दे देंगे। और इसके साथ ही एक प्याज को मैंने फाइन चॉप किया है, और कुछ पुदीने के पत्ते जिसे मैंने कट नहीं किया ऐसे ही रखा है, और एक हरी मिर्च, तो इन सबको भी इसमें डाल देंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका एक डो जैसे बनना है इसकी मिक्सर, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, और छोटे छोटे पेड़े जैसे बनाना है, टिक्की जैसे बनता है ना इसे, वैसे आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। थोड़ी सी मिक्सचर को हाथों में लेकर इस तरह राउंड शेप पे मैं बना रही हूँ, ये देखो हल्के हाथों से बनाना है, और ऐसे ही सारे कटलेट को हम बना लेंगे। यहाँ पर मैं लिया हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे मैं पानी डाल के एक पतला सा घोल बनाऊँगी। धीरे धीरे पानी डालेंगे जितना ज़रूरी है, और एक पतला सा घोल बनाना है इसका। इसी के साथ ही हमें ब्रेड क्रम्ब भी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए घोल बन गया है अभी, और मैं ये ब्रेड क्रम्ब भी ली हूँ, तो दोनों को एक साथ रख लेंगे। और एक टिक्की को हाथों में लेंगे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में उसे डिप कर देंगे, चारों ओर इसके ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रोल कर देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा जो कटलेट है वो क्रिस्पी लगेगा। तो इसी तरह सारे कटलेट को ब्रेड कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में रोल करना है, और इसको सैलो फ्राई करना है। तो मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल तो अभी गरम है मेरा, और फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे, हाई नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो यहाँ तेल में आराम आराम से हम जितना कटलेट आ सकता है उतना देकर उसे फ्राई करना है। तो एक साइड को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेगी, और उसके बाद हम दूसरे साइड को पलट देंगे, और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सुनहरा कलर जो होता है ना, वैसे ही आना चाहिए, और कितना प्यारा कलर आया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह तो हमें दूसरी साइड भी बनाना है, तो दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट लगेगी। और ये देखिए कटलेट बन के बिल्कुल रेडी है, अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक एक करके मैं प्लेट में निकाल दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए। तो ये हमारा चटपटी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हेल्दी कटलेट बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए, और बेल बटन को आप लोग प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए।